पापा खा रहे हैं आज पहली बार ग्रेडर के साथ में खाना। चला के देखना गाड़ी। तो दोस्तों आज आपको इस ब्लॉग में ना एक बड़ी मजे की चीज बताता हूँ। तो हे गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सारे भाई ठीक ठाक होंगे। तो भाई रेडी हो गए साइड पे जाने के लिए। मम्मी आज भी नहीं है घर पे, आज आ जाएंगी, मतलब कंफर्मली आज आ जाएंगी 12-1 बजे तक। मैं रेडी हो गया, ले लिया अपना सामान सारा, बस एक चीज़ की कमी रहेगी, वो है परफ्यूम जो तरुण भाई ने भेजा था। कई दिन हो गए भाई लगाया नहीं, आज लगा लेते हैं ना। तो ये है भाई इसका बॉक्स परफ्यूम का, और ये रहा परफ्यूम। काफ़ी भाई अच्छी फ्रेगनेंस है ये भाई, ऐसे ही है 5-6 हज़ार रुपये का, 5-6 हज़ार रुपये के बीच में है ये, ठीक है। चलो भाई कम से कम 6,000 का कम है, परफ्यूम लगाने लायक तो हुए, कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कभी कि 6,000 का परफ्यूम भी लगाएंगे कभी। चलो इधर के लिए भाई ये चीज़ें बहुत महंगी लगती हैं भाई, ये चीज़ें खरीदते हो ना एक बार वो तो होता है इस साइड, लेकिन क्या है ना फॉरेन साइड में ना उस साइड ऑस्ट्रेलिया वगैरह कैनेडा वगैरह ये चीज़ें उनको ना इतनी ज़्यादा वो लगती नहीं महंगी, इधर के हिसाब से नहीं सोचते, तो वो उधर के हिसाब से सोच के चीज़ें खरीद लेते हैं या भेजनी होती है तो भेज देते हैं, ये चीज़ होती है भाई। अब मैं निकल रहा हूँ भाई और सीधा मिलूंगा आपको अब मैं कैम में, पूरा टाइम बचा मेरे पास 20 मिनट। सो गाइस आ गए भाई कैम में, और देखो नीचे से इतना गंदा हो रखा है ग्रेटर, तो करते हैं साफ सफाई, बस ये नीचे की सफाई हो पाती है और तो कहीं की हो नहीं पाती। सो गाइस साइड पे आ चुके हैं और यूरिया इसमें डालना पड़ा आज, मतलब 3-4 लीटर यूरिया डल पाया, बाल्टी में इतना बचा हुआ था, हेल्पर भी नहीं मिला था तो वो खुद ही डाला। और यहाँ पे एक दिन जो यहाँ पे कबाड़ वगैरह इकट्ठा किया था ना वो सब हट चुका है, तो अभी यहाँ पे CNG करेंगे, CNG नहीं सॉरी फिनिशिंग मारेंगे, इतनी यहाँ पे CNG पहले कर चुके हैं, फिनिशिंग मारेंगे आज तो, ठीक है। तो गाइस लग गई पूरे बेड पे फिनिशिंग, बस ये एक लास्ट ब्लेड लेके जा रहा हूँ मैं मारते हुए आगे तक, वो वहाँ तक रोलर भी आ गया है। आज दोस्तों अपना मेन काम रहेगा रैम बनाने हैं अलाइनमेंट में, ताकि अपने एरिया में जा सकें मशीनें वगैरह टिप्पर्स वगैरह जो भी है ना अपने अलाइनमेंट में जाएं, मेन रोड पे ना चलें। तो कर दो हेलो, तो कर दो आज के व्लॉग में हेलो। आज इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है कल से, तो भाई देखो ये रैम बनाया था कल लास्ट में, और ये थोड़ी यहाँ पे ना एक्सर्वेशन सी करी थी इसलिए यहाँ से थोड़ी मिट्टी उठा के और रैम पे डाली थी, क्योंकि नीचे फ्लाई ऐसे, और यहाँ पे ना थोड़ा एंडुलेशन सा हो रहा था, तो ये एंडुलेशन काट दिया है ना, मिट्टी वहाँ चलेगी रैम पे और इसको थोड़ा स्मूथ कर देंगे ब्लेड मार के। सो दोस्तों बना दिया स्मूथ ड्राइव, ठीक है। अब आगे देखते क्या सर काम करवाएंगे। तो इनमें से किसी एक बच्चे से मैंने मंगाया पानी पीने के लिए, वो आ गया पानी लेके, पीने वाला लाया ना भाई, पीने वाला टंकी में भर ला आ गई ना तो? अच्छा चल ठीक है ठीक है भाई बाय बाय। देखो ये भी बोल रहा था और क्या 14 है, यहाँ बन रहा है देखो रास्ता लोडर से, बाकी भी प्री शेप फिनिशिंग करना बाकी है, आ जाओ वहाँ देखते हैं आगे गन्ने वाला कुछ वहाँ पे करते हैं CNG। चले। चले। भाई जिसपे फिनिशिंग मार रहा हूँ मैं, और इस पर ऐसी कंटिन्यू रोलिंग चल रही है, तो गाइस में मार दिया फिनिशिंग और चल रही है रोलिंग। और आज गाइस मैंने खाना जो है लंच जो है अपने पापा से मंगा लिया था, पापा आए हुए हैं रामपुर मार्केट में मम्मी को लेने के लिए, मम्मी आ रही है ना वहाँ से मामा जी के घर से, उनको वो लेके जाएंगे घर पे। मैंने उनसे बोला मैं कहा यहाँ तक आए तो खाना पकड़ा जाओ वहाँ से लेके, तो वो लेके आ रहे हैं नान वान। टाइम भी हो गया है 1:15 हो गया, मतलब 15 मिनट बचे हैं 1 बजने में। सर जी अपने इधर खड़े हुए हैं, तो गाइस वो आ गए डैडी जी खाना लेके लाल स्कूटी पे। पानी है पापा भी साथ में खाएंगे, तुम भी नहीं खाता सवेर का कुछ डैडी लेके आए हैं नान और कड़ी और छोले, 6 नान लेके आए हैं तुम्हें, पापा खा रहे हैं आज पहली बार ग्रेडर के साथ में खाना, खाना खा लो आ जाओ। अरे वो चीज़ क्वालिटी नहीं ना बन पाती इतना, ये जी चीज़ ब्रांड है कैट, ये ब्रांड ही अड्डे चीज है ये, तो वो लगे तुम देखी होनी वीडियो बटन दबो सीधे फोन आता उतो कस्टमर केयर तो सीधा मशीन के बच्चे ही फोन आता। पापा देख रहे हैं क्या क्या जुगाड़ है ये, वैसे मेरे डैडी जी भी कंबाइन के फोरमैन हैं, जो कंबाइन हार्वेस्टर होती है ना उसके फोरमैन हैं,
20 साल कंबाइन चलाई है, फिर बाद में रोडवेज ड्राइवर बन गए थे, फिर रोडवेज पे बस चलाने लगे, फिर कंबाइन भी चलाई साथ साथ, रोडवेज भी चलाई सीजन में कंबाइन, और वैसे कंटिन्यू रोडवेज बस चला के देखना गाड़ी है ठीक है फिर इन्हें शौक नहीं गया गड्डी जानती है कितनी चलाई है चलाई आहो। सो गाइस खाना वगैरह खा लिया है और आगे फिनिशिंग मारेंगे उस तरफ, और लोडर जाने लगा है आगे, लोडर आगे जाने लगा काम करने के लिए। सो गाइस आज देखो आ गए हम इस आरओवी तक सीएनजी करते हुए, सामने ट्रेन जा रही है, सर भी है हमारे साथ में, ये आगे यहाँ पे पनवड़िया पड़ जाता है पास में ही, इधर पूरा रामपुर है और यहाँ से ही बाईपास खत्म हो रहा है, यहाँ पे आगे थोड़ा सा मान लो यहाँ से 100-200 मीटर ना 100 मीटर आ गई ट्रेन हटती तो आपको दिखाता हूँ, बाईपास जहाँ पे एंड हो रहा है और इस साइड को चला जाएगा फिर रास्ता बरेली के लिए, लखनऊ के लिए, और ये अपना पूरा रामपुर आ गया सिटी, ठीक है। इस तरफ को होके मुरादाबाद चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, ये तो बाईपास तो है ही, वो देखो रास्ता उतर रहा है ना, वो देखो वो सीधा रामपुर सिटी जा रहा है, और एक उस तरफ उतर रहा है वो जा रहा है बरेली की तरफ को। ये देखो यार पत्थरों की पिचिंग कर रखी है, देखो यहाँ पे यार किस तरीके से कैसे बनाया है यार, ये कैसे ऊपर रखा हुआ है यार, ये वाल है इसकी पत्थरों की या क्या है ये सिस्टम है, ये किस तरफ भी है वाल बना के उसके अंदर मिट्टी भरी है, क्या करा क्या है, कंक्रीट है क्या है, समझ में नहीं आया यार, ये है ना डिजाइन भी मतलब अच्छा भी लग रहा है देखने में ना, है ना सर। हाँ इस तरफ भी है देखो पूरा, मैं वाले भी आया था आप, हाँ बहुत फेमस जगह है ना पहले आए थे तो। सो गाइस देखो ये एक बुलेट मारना है बस, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये पीला सा पिलर, यहाँ तक भाई गणेश सेठ जी, और देखो इसकी हाइट कितनी भाई रोड की, वहाँ तक हाइट जा रही है, वो देखो वो किनारा है इसका रोड का, इस तरीके से आप देख सकते हो वो गाड़ी जा रही है, तो मतलब देखो वहाँ रोड बनाना था उनको, तो उन्होंने यहाँ से इसकी जो है ना विड्थ इसकी ली, मतलब नीचे वाली जो एम्बैकमेंट की फर्स्ट लेयर इनकी आई होगी वो यहाँ पे आई देखो आप, और इससे और नीचे आई होगी थोड़ी बहुत मिट्टी बह भी गई है, तो यहाँ से मैं जस्ट मान लेता हूँ एग्जाम्पल, तो यहाँ से कितना फर्क होगा, कम से कम यहाँ से 30 मीटर होगा, तो इतनी हाइट के लिए ना 30 मीटर एक साइड को विड्थ आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी। क्यों सर देख रहे हो यहाँ से 30 मीटर होगा नहीं होगा कन्फर्मली, यहाँ से इस जगह से यानी कि यहाँ से बैट बनना चालू हो रहा होगा, उठते 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 ऐसे स्लोप में वहां तक जाके रोड रुका है, इस आरओवी की वजह से इतनी हाइट यहाँ पे करनी पड़ी। सो गाइस अभी इस साइड फिनिशिंग मारी है और ग्रेटर अभी लाके इधर खड़ा करा है, स्टार्ट खड़ा है ग्रेटर। सो गाइस मैं अभी यहाँ से ग्रेटर लेके जा रहा हूँ उस साइड आगे 3000 चैलेंज की तरफ, ठीक है ना, ये 7000 है, तो मुझे 3 किलोमीटर पीछे 4 किलोमीटर पीछे जाना है, ठीक है इस तरफ प्लांट की तरफ, तो मैं चलता हूँ गाइस। टाइम हो चुका है अभी 4:45, आप बोलते हो कि आप घड़ी से टाइम क्यों नहीं दिखाते, तो भाई घड़ी जो है ना टाइम देखने के लिए होती नहीं है, और सुई वाली घड़ी में तो भाई बहुत कम ही लोग टाइम देखते हैं, ज़्यादातर नंबर वाली घड़ी हो ना तो उसमें टाइम देखना एकदम से जल्दी पसंद करते हैं, इसमें गिनते रहो, वैसे तो ज़्यादा देर बंदा टाइम देखता है ऐसे वाले में तो अंदाज़ा हो ही जाता है, लेकिन हमारे जैसे आज भी 5, 5, 10, 10, 20, 15 ऐसे करके गिनती, तो इसलिए फटाक से यहीं देख लेते हैं। कई बार भाई मेरे पास ये घड़ी बंधी हुई होती है ना तब भी मैं फोन में टाइम देखता हूँ, ध्यान ही नहीं रहता कि घड़ी बंधी है। ये देखो हमारे दो साहब लोगों ने अभी इस पे सीएनजी होनी बाकी है तो इसी के ऊपर पानी डलवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। सुबह क्या आप, थैंक यू सर, थैंक यू आपने बिना सीएनजी के पानी डलवाया, थैंक यू। मैं क्या कह रहा हूँ इसमें सुबह ग्रेटर मार देना हो जाएगा। हाँ हाँ सुबह मार दूंगा, अब बहुत बार मारना पड़ेगा, हम पास करवा देंगे ना, हम क्या बैठे इसको यूट्यूब में डाल देना। हाँ हाँ बिल्कुल डालेंगे सर, कल देख लेना। तो गाइस यहाँ पे करनी है सीएनजी, ये एक्सेलरेशन थोड़ी टाइप हो रखी है एक्सेलरेटर से, और इधर मार्केट है काफी तगड़ी नहीं मतलब ठीक ठाक से, तो सर हमारे उतरने लगे हैं, सर भी हमारे साथ आए थे। गाइस ये मार्केट एरिया में थोड़ी सीएनजी करनी थी, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी ज्यादा खड़ी रहती है तो इसलिए एकदम से हटवा के जल्दी जल्दी काम कर लिए, थोड़ा काम इधर बचा हुआ पीछे जो शुरू में करने लगा था वो करेंगे बाद में, अभी चल रहे हैं कैंप। ओके तो मैं घर पे आ गया हूँ और मम्मी आ गई हैं। मम्मी आ गई, आ गई मम्मी, तो पहले तेनू मिला होना। मम्मी सीकाल सीकाल ठीक है, की हो गया तन मारो यार, उठे जाके दो दिन मुंह टट के पई रही बीमार ही रही, ओए ब्याह खा के बिन्नी दा दो दिन ही मैं बीमार रही। अच्छा ना बस 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 मिले आई, इतना लाड
चाह करे मेनू अंदर ना वड़न देता छाल मार मार करते घंटा पर बैठा लिया मेरे लागे तीन चार दिन बाद आई चप्पल मूह च पावा बूट मूह च पावा ते खेडना बस देख चुकली चप्पल सो गाइस मुँह हाथ धो लिया अब खाते हैं खाना। कई दिनों बाद भाई आज घर का खाना मिलेगा यार। मम्मी के बिना सब कुछ अधूरा है, पूरा घर अधूरा है। मम्मी ना हो घर में तो लगता कुछ है ही नहीं। आ लो कोली चमचे जल्दी दो रोटी की बनाया सब्जी दिखाओ। गाजर आलू मटर देसी घी तेन भी चाहिए रोटी नहीं खाती मैंने फिर की लैन आना इधर। फाइनली भाई घर का खाना आ गया है। तो दोस्तों आज आपको इस ब्लॉग में ना एक बड़ी मजे की चीज बताता हूँ। मेरे भाई का ना एक फ्रेंड है जो कि अभी अमेरिका गया हुआ है, लवप्रीत भाई का नाम है। तो जहाँ वो अमेरिका में काम करते हैं ना उस जगह वो भाई को बंदा मिला एक, तो वो बोला कि कहाँ से हो आप? तो वो बोला यूपी रामपुर से। तो बोला यार रामपुर की तरफ का, तो बोला एक वो है गगन ओपी, बोला जानते हो? बोला हाँ मैं जानता हूँ। बोला वो मेरे फ्रेंड का भाई तो है बड़ा। तो बोला अच्छा यार, तो बड़ा खुश हुआ कि वो भाई ने फिर मेरे को ना स्पेशल फ़ोन करके बताया कि ऐसे करके आपको यहाँ भी जानते हैं। अब मेरे को बहुत गुड फील हुआ यार। मैं खैर अच्छा सही है यार, मतलब थैंक यू भाई आपका अमेरिका से मेरी वीडियो देखने के लिए। आपको पसंद आई तो भाई आप वहाँ से देख रहे हो। ये तो मैंने गाना चेते आ गया, वो सिद्धू मूसेवाले का गाना नहीं है? अमरीका तक बंदे आख दे जट्टा तेरे ना कलैब करनी। चल यार ये तो फुकरी होगी। बाकी यार चंगा लगा सुन के भाई, तुम अमेरिका तो साड़ी वीडियो देखते हो, थैंक यू भाजी। ब्लॉग को भाई अब करते हैं एंड, मिलते हैं गाइस फिर कल नए ब्लॉग में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, लव यू।